ओके, सो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.16. द गिवन क्वांटिटीज आर हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड 3×10³ आई कैप न्यूटन पर कूलम. व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन. अब आपको इसको क्वेश्चन को समझना है और accordingly you have to answer me that what is the possible way to solve this question, and after that I will also help you in solving this particular question, but I'm giving you time to just think about it how you can proceed. So let us solve this question now. You have given some electric field magnitude 3×10³ newton per coulomb hai, और इसमें साइड दे रखी 20 सेंटीमीटर सो दैट इट फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन. तो पहले एक फिगर बना लेते हैं इमेजिनरी सरफेस में. मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, मान लीजिए ये हमारी इस तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन है. ओके, एंड हेयर आई विल अज्यूम दैट लेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दिस पर्टिकुलर एक्सिस आई एम टेकिंग इट एज एक्स एक्सिस. इसको मैं वाई मान लेता हूँ एंड लेट इट बी जेड. और क्यूब क्यूब हमें बनानी, ठीक है. तो पहले क्यूब बनाने की कोशिश कर लेते हैं. वी हैव टू मेक अ क्यूब हेयर. सो और कहां से व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन. तो यहां पर एक क्यूब बना लो पहले तो आप, ठीक है. आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ क्यूब हेयर. देखते हैं बनती नहीं बनती एक बार में. नहीं होगी तो मैं उसको दोबारा बनाऊंगा थोड़ा इस तरह से. एक मिनट, मैं दोबारा करता हूँ इसको. आई हैव टू मेक अ क्यूब देयर. अच्छा, क्यूब आप ऐसी बनाओ जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो, ठीक है. और आपको क्यूब बनानी है और फिर देखना है कि प्रत्येक क्यूब से कितना कितना एंगल बना रहा है. ई डॉट डी एस हमें देखना है, ठीक है. तो मान लीजिए मेरे पास अभी ये है, क्यूब तो नहीं है, क्यूबॉइड है. तो यहाँ से आप ये देखो, मान लीजिए ये क्यूब रखी हुई है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स डायरेक्शन में जा रही है. तो हमारे पास टोटल सरफेस कितने हो गए इस क्यूब के, टोटल सरफेस कितने हो जाएंगे, टोटल सरफेस क्यूब में कितने होते हैं बेटा, सिक्स. तो हमें सभी सरफेसेस से ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना एंगल बना रही होगी. सभी सरफेसेस से हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना एंगल बनाएगी, ठीक है. और मैंने अब क्यूब में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और बन भी गई ठीक ठाक. ओके, अब इनको कुछ नाम दे देते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में. मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के. एक तो मुझे बताया था शायद रिया ने. तो इसको देखो, कुछ सरफेसेस है ना यहाँ पर, इसको नाम दे देते हैं. तो मैं इस सरफेस को बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये जो सरफेस है फर्स्ट, और ये जो आपका साइड में आप कह सकते हो राइट साइड में, ये टू. जो ऊपर वाला इस सरफेस को नाम दे दो थ्री. जो नीचे वाला इस सरफेस को नाम दे दो फोर. जो सामने वाला है इसको मैं नाम दे रहा हूँ फाइव. और जो पीछे वाला है उसको नाम दे रहा हूँ सिक्स, ठीक है. तो ये समझ गया. तो ये हमारे कुछ सरफेसेस है जिसको मैंने इस तरह से नेमिंग कर दी है. अब मुझे हर एक सरफेस से मुझे निकालना क्या है, फ्लक्स निकालना है ना, मुझे निकालना क्या, नेट फ्लक्स. तो फाइव इक्वल टू कितना होता है, फाइव इक्वल टू होता है बेटा ई डॉट डी एस, ई डॉट सरफेस एरिया, ई डॉट एस, ठीक है. ई डॉट सरफेस एरिया मुझे लेना है यहाँ पर. मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, एक मिनट. ई डॉट डी एस या ई डॉट एस, एक्चुअली में यहाँ पर सरफेस एरिया कंप्लीट मुझे पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है कि वो कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वगैरह पे डिपेंड कर भी नहीं रही है, ठीक है. तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख लूंगा, मैं डी फाइव नहीं लिखूंगा क्योंकि टोटल सरफेस एरिया मुझे पता है साइड का स्क्वायर हो जाता है. तो ई डॉट एस. ओके, अब सरफेसेस के लिए एंगल जान लेते हैं सबके लिए कितना कितना एंगल है. और जब मैं ई डॉट एस को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा ई इंटू में सरफेस इंटू में कॉस जो भी थीटा है. अब डिस्कस करते हैं एंगल, थीटा किसका कितना कितना है. तो अगर आप थर्ड सरफेस देखो, तो थर्ड सरफेस मतलब कि जो ऊपर की तरफ है, नॉर्मल वेक्टर इसका ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, नॉर्मल वेक्टर इसका ऊपर की तरफ है, ठीक है. ऐसे नॉर्मल वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है. तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री. फिर फिफ्थ वाले के लिए नॉर्मल वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल कितना फिफ्थ के लिए, 90 डिग्री. 90 270.
फोर्थ के लिए भी और सिक्स्थ के लिए भी। तो यहाँ पर चार सर्फेसेज ऐसे हैं जिसके लिए थीटा कितना होगा 90 डिग्री। चार सर्फेसेज ऐसे हैं जिसके लिए थीटा होगा 90 डिग्री, और उन चारों के लिए जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, जीरो। चारों के लिए जीरो हो जाएगा। कौन कौन मैं लिख देता हूँ, तीन, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो जो भी आपको फ्लक्स मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड सरफेस की वजह से। रीजन बताता हूँ क्यों। अच्छा पहले आप मुझे खुद सोच के बताओ, ये सेकंड सरफेस है मेरा, इसके लिए एंगल कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर के बीच में। सेकंड सरफेस जो मेरा ये वाला है राइट साइड पर, एंगल कितना होगा उसके लिए? जीरो। हाँ जीरो डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और उसका जो एन कैप होगा इस वाले सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी इस तरफ ही है, तो जीरो डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये राइट राइट नाम दे रहा हूँ, आर लिख रहा हूँ मैं राइट सरफेस के लिए, तो अगर मैं राइट सरफेस के लिए लिखूं तो ई इंटू में सरफेस एरिया, और कोस जीरो डिग्री लिखना पड़ेगा मुझे, एंगल तो कोस जीरो डिग्री है। ठीक है, ये हो गया राइट के लिए। और ये कितना आ जाएगा बेटा, ई इंटू एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया आ गया फाई आर। सिमिलरली जो लेफ्ट सरफेस है इसके लिए एंगल एंगल कितना होगा एन कैप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? 180। बिल्कुल सही, 180 डिग्री। और जब मैं इस वाले सरफेस के लिए फाई निकालूंगा यानी कि फ्लक्स निकालूंगा मैं लेफ्ट सरफेस के लिए, एंगल तो आपको समझ में आ गया होगा, एंगल मैं निकाल लिया, इसका हो जाएगा ई इंटू में जो भी सरफेस एरिया है इंटू में एंगल कितना है 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री की फटाफट वैल्यू बता दो मुझे कितनी आएगी? -1। तो हमारे पास जो फाई एल आ रहा है वो कितना आ रहा है वैल्यू रख करके, माइनस के ईएस क्योंकि माइनस वन है। अब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर? स्केलर। तो जब हम स्केलर क्वांटिटी निकालते हैं तो हम टोटल कैसे करेंगे, जैसे नंबर को ऐड करते हैं तो एक हमारा फाई आर है और एक फाई एल है, तो मैं क्या करूंगा दोनों को एडअप करूंगा, जस्ट मैं वेक्टर सम ले रहा हूँ, न्यूमेरिकल जैसे हम सम लेते हैं अलजेब्रिक सम, फाई एल प्लस फाई आर दोनों की वैल्यू रख लो जो भी है, तो माइनस फाई एल की वैल्यू है मेरी माइनस के ई एस। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड पर फ्लक्स मेरा निकला है वो कितना है, प्लस के ई एस। तो ये हमारा मैथमेटिकल प्रूफ हो गया कि फ्लक्स हमारा जीरो आएगा। ठीक है, फ्लक्स हमारा जीरो आएगा, कोई डाउट है तो बताना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एक नंबर में आता है तो कैसा करना है, तब हम ये लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कॉन्स्टेंट है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से एंट्री ले रही है ना उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी जा रही है, तो जितना आया उतना बाहर चले गया, अंदर क्या बचा, कुछ भी नहीं, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो वो एक नंबर में हम आंसर दे सकते थे, बट थ्योरेटिकल आंसर एक नंबर में काफी इनफ रहेगा, बट ये क्वेश्चन अगर तीन नंबर में पूछा जाता है तो ये काम हमें करना है। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों इतना ज्यादा डिस्कशन किया है, तो अभी हम एक और एग्जांपल करेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है, उसमें हम देखेंगे सेम क्वेश्चन है बस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां पर डिफरेंट आपको मिलेगी, यही कंसेप्ट आपको इस्तेमाल करना होगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें सभी सरफेसेस के लिए एंगल्स लेने हैं, थीटा लेना है और फिर टोटल फ्लक्स को ऐड करना है। कोई डाउट है तो पूछिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ बोलिए सर, इसमें आपने डायरेक्शंस कैसे लिए जो ये 180 और 0 डिग्री आ रहा है सर? अच्छा, ये एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड विवेक एक्स डायरेक्शन में है इधर, यस सर। अगर मैं ये वाला सरफेस ले रहा हूँ तो सरफेस के नॉर्मल वेक्टर में से बाहर की तरफ होता है, तो आप इन दोनों के बीच में एंगल देख लो, एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, दोनों सेम डायरेक्शन में तो हो गए, यस सर। अब इधर वाले सरफेस के लिए देख लो, तो एन कैप इसका इधर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है, तो क्या हो गया 180 डिग्री हो गए, यस सर। इस तरह से एन कैप मतलब नॉर्मल वेक्टर में से बाहर की तरफ होगा, कोई और डाउट? नो सर। ठीक, ओके, तो ये आपका मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको सोल्व करना है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एक और हम प्रैक्टिस करेंगे।